जातिवाद को, परिवारवाद को, वंशवाद को खत्म किया भाजपा ने। इससे पहले अगर आपने अच्छा काम किया होता तो सत्ता से उखाड़ के जनता आपको क्यों फेंकती? देखिए, निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र है और यहाँ असली ताकत जनता के हाथ में है, और जनता जब मौका देती है काम करने का, और जब कोई काम अगर जिस उद्देश्य से जनता ने वोट दिया, जिस सोच पे वोट दिया, और उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, और सरकारें अगर काम नहीं कर पाती हैं या जनता की सोच पे खरी नहीं उतर पाती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जनता उससे जवाब भी मांगती है। और आज चलिए ठीक है, आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन कभी हम लोग सरकार में थे तो हम लोगों ने काम किया और प्रयास किया कुछ बेहतर करने का। लेकिन आज अगर हम लोग सत्ता में नहीं है, अगर आज आप सत्ता में हो तो जवाबदेही तो आपकी है। आज अगर आप सत्ता में हो और साढ़े पांच साल आपको प्रदेश में होने जा रहे हैं, आज भी बजाज सुगर मिल पर 200 करोड़ बकाया, 170 करोड़ बकाया क्यों है? माननीय महोदय, जिम्मेदार कौन है भाई? 170, अभी मेरे बरखेड़ा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, 12 किलोमीटर लंबा बाईपास अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज कानून व्यवस्था का वो हाल है कि जो है रोडवेज बसों तक को लोग जो है चुरा ले जा रहे हैं। बरखेड़ा में जो माननीय जी, बरखेड़ा में जो चीनी मिल है उसका पेमेंट लगातार किसानों को मिला है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए हैं, आप काम करें, बेहतर काम करें, लेकिन इसका जवाब देंगी। 6.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं 1.0 और 2.0 कुल मिला करके, और इसमें भी जो काम इन्होंने गिनाए हैं वो काम पूरे क्यों नहीं हुए? ये कहा जाता है आप लोगों के लिए, आपकी सरकार के लिए, कि उद्घाटन वाली सरकार है। शिलान्यास जो काम का इन्होंने किया था, उस काम का उद्घाटन आपने कई किया, और कई काम जो चल रहे थे सपा की सरकार से उनको बंद करने का काम भी आपने किया। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार, बीजेपी सरकार जो भी बोलती है वो करके दिखाती है। सारे गांव से, एक गांव से दूसरे गांव तक रोड जोड़ दिए गए हैं, और मैं समाजवादी वाले लोगों से बोलना चाहूंगी कि वो निकल के बाहर तो देखें कि सरकार ने कितना कितना विकास किया है। हर ऐसा भी कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में पक्का रोड ना बन गया हो। गांव तक, शहर की तो बात छोड़िएगा, गांव तक सरकार ने रोड बनवा दिए, और हर गांव घर तक पानी पहुंचे इसके लिए हर गांव में टंकी की व्यवस्था शुरू हो गई है, टंकी का काम चालू हो गया है, घर घर तक पानी पाइप से पहुंचेगा। अमृत सरोवर जो गांव-गांव में हमारी सरकार बनवा रही है, जिससे कि हम सभी लोगों को भी आराम मिलेगी और पशु पक्षी को भी उसमें पानी पीने की सुविधा होगी। तो हमारी सरकार अमृत सरोवर गांव-गांव में बनवा रही है। ये तो हमारी, आप बात कर रहे हैं अपने विधानसभा की, आप बात भी पूरी हमारी विधानसभा में, हर गांव में बनने का काम शुरू हो गया है, पानी की टंकी का काम शुरू हो गया है, हर एक जगह पर लाइट। 6 साल के बाद शुरू हुआ ये काम, हर गांव में। अभी पूछे कि क्या वो समाजवादी का गांव है, चाहे वो बीजेपी का, अपना सरकार हमारी है तो पूरे हर जगह पे पानी की टंकी लगने लगी है, पानी से पाइप से पानी पहुंचेगा, हर घर तक पाइप से पानी पहुंचेगा। अमृत सरोवर, जो तालाब नहीं थे, जो तालाब पहले बंद हो गए थे पहले की सरकारों में, तालाब जहां पे थे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन हमारी सरकार उन तालाबों को खुदवा रही है, उसमें पानी भरा जाएगा, जिससे कि हर एक गांव वालों को भी उससे आराम मिलेगा। इतना सारा काम आपकी सरकार में हो रहा है, आप खुद कर रही हैं, आप ये बता रही हैं कि इतने सारे काम चल रहे हैं और आगे भी लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो फिर ये हमलावर आप पे क्यों हो जाते हैं? ये क्यों कहा जाता है कि आप तो अंधी सरकार है, दिखता नहीं है, उद्घाटन पे उद्घाटन होते हैं, बस बताती है सरकार, ग्राउंड पे काम नहीं होते, ये क्यों कहा जाता है? इसका जवाब मैं प्रवक्ता नंदी से दूंगी। सर, आपकी विधानसभा की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो अच्छे स्कूल नहीं है वहां पर, स्कूलों की शिकायत है कहा गया, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है इसको लेकर भी शिकायत वहां के लोगों की रहती है, बस अड्डे नहीं है, आवारा पशु, बहुत सारी परेशानियां हैं जो चुनाव के वक्त में भी थी और इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा आप विधायक बने, पहली बार बने, इससे पहले आप जब भी रहे। अच्छा, ये पहली मरतबा है आपका सरकार की, यही तो खूबी है, आपकी पार्टी के विधायक थे, बीजेपी सरकार की कोई काम नहीं किया वहाँ पर, ये कहा जाता है जो परेशानियाँ पहले से चली आ रही थी वो परेशानियाँ अब भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा बहन जी, सबसे पहली बात है कि समाजवादी 2012 से लेकर 17 तक पूरे उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी, और इतनी कमजोर नींव हो गई थी हमारे उत्तर प्रदेश की, विशेषकर हमारे बरखेड़ा की, और उसमें जब 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सारे कार्यों को योजना में लागू किया गया, जिस तरह से आज बरखेड़ा विधानसभा में काम हो रहे हैं
मैं समझता हूं अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं विधायक बने, 4 पुल मैं बड़े लाया हूं विधानसभा बरखेड़ा के लिए और लगभग 40 रोडों की हमने कार्य योजना में सूची बना के तैयार की है और 50 लगभग यात्री शेड तैयार किए हैं जो बहुत जल्द धरातल पर उतर जाएंगे। पिछले 5.5 सालों में अगर 15 किलोमीटर की लंबी कोई एक सड़क बना दी हो तो मैं अभी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अभी 15 किलोमीटर लंबी अगर एक सड़क बना दी गई मैं आपको बताना चाहूंगा नवाबगंज से लेकर के माननीय जी संन्यास लेकर चला जाऊंगा। नवाबगंज से लेकर के गजरौला तक आपने देखा कितना बड़ा बरखेड़ा विधानसभा में अगर 15 किलोमीटर लंबी एक सड़क बन गई हो मालूम है आप कहां रहते हो तो मैं अभी राजनीति से संन्यास लेकर चला जाऊंगा। जनता के बीच मगर रहते तो आज ये हजार आपको देखने को नहीं मिलता। गरीब जनता के बीच में रहना सीखिए मंत्री जी, पहले गरीब जनता के बीच में जाइए, गांव गांव रहिए लोगों के बीच। अरे आप काम करिए आप काम करने का मौका काम किया है आप यहाँ लड़ने के लिए हम लोग थोड़ी आए कर रहे हैं अपनी बात करने के लिए आप काम करिए काम और हम जनता से हम जनता का प्यार मुझे तो ऐसा लग रहा है सरकार में मैं हूं ये लोग विपक्ष में बैठे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मेहनत और परिश्रम से जनता का स्नेह रूपी वोट हासिल करेंगे और ईमानदारी से जमीन पर काम करेंगे। प्रभाकरनंद जी आगे के बचे हुए सालों के लिए पूरा कार्यकाल बाकी है उसके लिए एजेंडा क्या है आपका? हमारा एजेंडा है और जो हमारे एजेंडे थे सरकार उन पर पहले से ही काम कर रही है। हमारा एजेंडा था कि हम लोगों के लिए गरीबों के लिए स्वच्छ जल दें जिससे बीमारियां कम हो और उस पर हमारी सरकार ने जलकल के माध्यम से हर घर नल लगाने का प्रयास किया है। गांव गांव टंकी लगाई गई जैसे कि अभी हमारी बहन जी आदरणीय विधायक जी सलोना जी बता रही थी तो वो काम हमारा हर विधानसभा में लगातार चल रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक टंकी बन रही जिससे शुद्ध जल मिलेगा और हमारे हर ग्राम पंचायत में जो अमृत सरोवर के माध्यम से जो हमारी संस्कृति मिटती चली जा रही थी वो भी हम लोगों ने फिर से लागू की है और इतनी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कि जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया है बताने के लिए हम जब गिनाएंगे तो गिनाते ही रहेंगे। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।